Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adesh Paliniketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today we are continuing our chapter 15. जो है अपना उसे continue करेंगे अपन chapter 15. Chapter 15 is eat whenever you want. कि जब हमारा जी चाहे तब खाएं. So student, open to your book. Page number जो है book में 121 open कीजिए आप. डोंट वेस्ट फूड. हमें जो है फूड को कभी भी क्या है खराब नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं खराब करना चाहिए? क्योंकि आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोंट वेस्ट मीन्स खराब फूड. भोजन को हमें कभी भी खराब नहीं करना चाहिए. पेज नंबर 121 पे देखिए बेटा. आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑल ऑफ देम रीच्ड ग्रैंडफादर हाउस. दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम. सब उनसे मीटिंग मीन्स मिलकर क्या थे काफी खुश थे. इन द इवनिंग दे रियलाइज करी एंड राइस लेडी फिंगर चपाती सलाद डेजर्ट एक्सेट्रा. शाम को जब वो लेडी फिंगर भिंडी कढ़ी रोटी चावल ये खा रहे थे. बट द चिल्ड्रन डिड नॉट कंज्यूम द इंटायर फूड ऑन देयर प्लेट. बट जो बच्चे थे जो उन्होंने सब्जी भिंडी की सब्जी उन्हें अच्छी नहीं लगती तो उन्होंने क्या किया छोड़ दिया. लेफ्ट ओवर फूड रिमेन अनइटन. जो उन्हें नहीं भाता. आप लोग भी कभी कभी खाना खा लेते हैं तो जो आपको पेट भर जाता है फिर आप वो छोड़ देते हैं ना खाना. तो वैसे ही जो ये बच्चे थे अपने कौन बच्चे थे सुयश और रेणु. इन्होंने क्या किया अपने दादा दादी के घर जब पहुँचे तो इन्हें खाना नहीं अच्छा लगा पेट भर गया तो इन्होंने छोड़ दिया. सीइंग दिस यह देख के ग्रैंडफादर सेड टू देम. ग्रैंडफादर बोले उनके दादाजी वी शुड नॉट वेस्ट फूड. हमें फूड को कभी भी वेस्ट खराब नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक दैट मच फूड ऑफ आवर प्लेट. आप जितना फूड खाते हैं उतना ही आपको अपने प्लेट में लेना चाहिए. वी विल टू बी इनफ टू सेटिस्फाई आवर हंगर. जिससे कि हमें हमारी भूख शांत हो जाए हमारा पेट भर जाए उतना ही खाना हमें जो है प्लेट में डलवाना चाहिए. बाय दिस एक्शन आवर कंट्रीज फूड ग्रेन गेट सेव्ड. और अगर आप फूड को जो है वेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे हमारी कंट्री में जितने भी ग्रेन्स हैं अनाज है उनको क्या है सेव कर सकेंगे उनकी बचत कर सकेंगे. ग्रेन मीन्स होता है अनाज. नेक्स्ट है अपना डू यू नो पानी पूरी. क्या आप जानते हैं पानी पूरी जिन्हें अपन यहाँ पर पुचके बोलते हैं. यू नेवर नो द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज टू प्रिपेयर मच लव्ड स्वीट एंड सोर वाटर ऑफ द पानी पूरी. पानी पूरी का पानी जो होता है कैसा होता है खट्टा खट्टा तीखा तीखा पानी होता है ना. मोर सो एज द स्टॉल्स आर यूजली लोकेटेड बाई द रोड साइड. बात बहुत पानी पोटेटो स्टफिंग इज कंसिडरली एक्सपोर्ट हार्मफुल व्हीकल इमिशंस. जो रोड के साइड में सभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो रोड के साइड में लगी हुई थी पुचके वालों की रेड़ी पानी पूरी वालों की रेड़ी. तो जो रोड के साइड में रेड़ियाँ लगी हुई रहती है वहाँ पे क्या होता है ठेलों पे जो व्हीकल्स वगैरह के धुएँ वगैरह गंदगी निकलती वो क्या होती है उन पर जमा हो जाती जो हमारे लिए क्या होते हैं नुकसानदायक हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम यू चूज टू ईट आउट कॉलेरा डायरिया माइट जस्ट बी लर्किंग अराउंड द रोड साइड शॉप. और जब आप उस पानी पूरी को खा लेते हैं तो उससे क्या आप लोग बीमार हो जाते हैं. तो हमें जो है कभी भी बाहर की ऐसी गंदी जगह पर रहने वाली पानी पूरी इनको नहीं खाना चाहिए जिसमें कि खुला होता है खाना तो उन पर जो डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह ऐसे ही आकर जमती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन मीन्स सुरक्षित रखना कि कैसे हम हमारे फूड को सुरक्षित रख सकते हैं. इन फ्रूट वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड.
जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं और कुक्ड बना हुआ भोजन होता है आर किप्ड फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे गेट स्पॉइल्ड। तो बना हुआ भोजन जब अपन ज़्यादा समय तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो क्यों ख़राब हो जाता है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोल्ड ऑकर विथ पॉल्यूट सच एस फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, मोल्ड होते हैं, वो इस फूड को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। पॉल्यूट करना मीन्स प्रदूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। वी बिकम इल, और जब आप ये सब प्रदूषित खाना खा लेते हैं, स्पॉइल फूड खा लेते हैं, पॉल्यूट फूड, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बाय कंज्यूमिंग सच फूड इवन इन रेफ्रिजरेटर सच एस ए फूड रिमेन फ्रेश यूज फॉर सम टाइम। तो इससे बचने के लिए हम क्या है, फूड को किस में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि हमारा फूड कुछ समय तक सुरक्षित रह पाता है। टू प्रिवेंट फूड फॉर गेटिंग पेरिस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी अडॉप्ट सेवरल मेजर सच एस, और फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम जो है कुछ विधियाँ यूज़ में लेते हैं, सच एस एडिंग शुगर, शुगर एड करके, जैसे जैम, आप जो है मैंगो पिकल, लेमन पिकल्स खाते हैं, मीठा अचार उसमें शुगर एड होती है, एंड प्रिपेयरिंग जैम, जैम बनाते उसमें भी शुगर एड होती है, प्रिपेयरिंग सिरप शरबत जो बने होते हैं उसमें भी शुगर एड करके शरबत को ख़राब होने से रोकते हैं, सेवरल प्रिपेयरिंग पिकल बाय एडिंग विनेगर सॉल्ट एंड ऑयल, जो घर में अचार बनता है केरी का, नींबू का अचार, कई दिनों तक पड़ा हुआ रहता है ना, ख़राब नहीं होता है, तो उसके ख़राब नहीं होने का कारण क्या होता है, उसमें साल्ट, नमक, ऑयल, तेल और विनेगर मिलाया जाता है, जिससे कि हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। लेडी फिंगर्स, क्लस्टर्स, बीन्स, पोटैटो चिप्स, मिंट, फेनुग्रिक एक्सेट्रा ड्राइड इन सनलाइट, और जो पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं, पुदीना, धनिया, मेथी की पत्तियाँ, इन सबको धूप में सुखाकर इन्हें जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। धूप में सुखाने से क्या होता है, इनका जितना भी पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है और वाटर की एब्सेंस में यह ख़राब नहीं हो पाते। आर ड्राई एंड थस प्रिजर्व्ड फूड पैक्ड इन अ टिन बॉक्स डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एज इट इज़ एयर टाइट, और जो फूड टिन के पैकेट में पैक होता है वह एयर टाइट होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं कर पाते और हमारा फूड ख़राब नहीं हो पाता। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, और फूड को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए उसमें किसका यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा फूड लंबे समय तक खराब नहीं हो पाता। नेक्स्ट यमुना राइट द प्रोसीजर्स टू प्रिजर्व दिस फूड आइटम, कि यहाँ पर जो फूड आइटम दिया हुआ है टेबल में उसे आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर आइटम इन योर लिस्ट। पोटैटो चिप्स को अपन कैसे प्रिजर्व करते हैं, ड्राई सनलाइट में सुखा कर, मैंगो पिकल्स को बाय एडिंग ऑयल, ऑयल ऐड करके, क्लस्टर्स बीन को सनलाइट में सुखा कर, ग्रीन पीस मटर को भी सनलाइट में सुखा कर, और फ्रूट ग्रेन्स को भी जो अपन सनलाइट में सुखा कर उसकी नमी हटा कर अपन उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग फूड दे ऑल विजिटेड द चंबल गार्डन, खाना खाने के बाद सब कहाँ गए, चंबल गार्डन में घूमने गए। चंबल एक रिवर का नाम है जो कोटा में बहती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो ये लोग कहाँ गए, चंबल गार्डन पे घूमने गए। ओवर देयर देयर सो मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड ए फ्रूट जूस शॉप, वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स थे और फ्रूट जूस की दुकानें थी। सुयेश वॉज अमेज्ड टू सी एप्पल, कैरोट, चेरी एक्सेट्रा, एंड ही वंडर्ड टू सी दिस फ्रूट अवेलेबल इन समर टाइम ऑल्सो, क्योंकि जो कैरेट है, एप्पल ये कब आते हैं, विंटर सीजन, ठंड में आते हैं, और वहाँ पर क्या गर्मी में भी ये चीज़ें मिल रही थी। तो सुयेश क्या हुआ, इससे वंडर्ड हुआ कि यहाँ पर तो इन चीज़ों का जूस मिल रहा है। तो ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, ग्रैंडफादर बोले उसके दादाजी, दैट नाउ डे ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वर अवेलेबल इन ऑल सीजन, कि आजकल क्या है, सभी सीजन में, सारे मौसम में सभी प्रकार के फ्रूट्स क्या हैं, अवेलेबल होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक यूज द हैम्पर एंड डीकम्पोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, कि फ्रूट को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए ड्राइंग सुखाना क्या है, एक बहुत अच्छी मेथड है। एज अर्ली एज 12,000 BCE मिडल ईस्टर्न एंड ओरिएंटल कल्चर वर ड्राइंग फूड यूजिंग द पावर ऑफ द सन, पहले के लोग क्या करते थे,
भोजन को सुखाकर सनलाइट में उसे प्रिजर्व कर लेते थे और लंबे समय तक उसे यूज़ करते थे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर नेचुरली ड्राई बाय द सन एंड विंड, बट स्टील हाउस वर बिल्ट इन एरियाज दैट डिड नॉट हैव इनफ सनलाइट टू ड्राइंग थिंग्स। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी हम क्या है सुखाकर प्रिजर्व कर सकते हैं। अ फायर वुड बी बिल्ट इन साइड द बिल्डिंग टू प्रोवाइड द हीट टू ड्राई द वेरियस फ्रूट वेजिटेबल एंड हर्ब्स। इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पहले है प्रिपेयर है, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है प्रिपेयर है टेस्टी पाउडर, पेज नंबर 124 पे। कैसे आप जो एक टेस्टी पाउडर घर पे बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, वॉश 10 to 15 इंडियन ग्रोसबेरी एंड ड्राई देम अप। जो आप है 10-15 ग्रोसबेरी मीन्स होता है बेर, बेर जो खाते हैं ना उन्हें अपन सुखाएंगे। ग्रेट देम ओपन ए ग्रेटर और बड़े बड़े बेर लेके उन्हें अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। ड्राई दिस ग्रेटेड ग्रासबेरी आफ्टर कवरिंग देम विथ अ थिन क्लॉथ, दिस विल ड्राई अप 1-2 days और इसे 1-2 दिन तक सुखाएंगे छीलकर। ग्राइंड दिस ड्राई ग्रासबेरी और सूखे हुए ग्रासबेरी को अपन क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे पीसेंगे। एड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन द पाउडर और उसमें बराबर की क्या मिलाएंगे, उसमें हम शुगर मिलाएंगे। एड साल्ट कमिन पाउडर डिसाइड और इसमें नमक और जीरा पाउडर ये मिलाएंगे। इन्जॉय दिस टेस्टी पाउडर ऑल द ईयर अराउंड और इस तरीके से जो टेस्टी पाउडर बनता है, टेस्टी पाउडर इसे हम पूरे साल काम में ले सकते हैं। चैप्टर रिकॉल है हमारा नेक्स्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइल, किसी भी फूड को स्पॉइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। फूड स्टफ्स सोल्ड इन द ओपन मार्केट इज़ यूजली नॉट न्यूट्रिशस, कि जो भी फूड हमें मार्केट में खुला भोजन आप खाते हैं वो हमारे लिए कभी भी न्यूट्रिशस वाला नहीं हो सकता। वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड ऑन आवर प्लेट वाइल वी फाइंड सुटेबल टू फुलफिल आवर हंगर, हमें उतना ही भोजन प्लेट में डलवाना चाहिए जितना हम खा सकें, एक्स्ट्रा फूड हमें नहीं डलवाना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड आइटम कैन बी प्रिजर्व्ड बाय इम्प्लीटिंग डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, अलग अलग मेथड से हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज है, राइट द नेम ऑफ 3 एसेंशियल आइटम रिक्वायर्ड द प्रिजर्व इडेबल थिंग्स। किसी भी चीज़ को इडेबल मीन्स होता है खाने योग्य, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, खाने योग्य प्रिजर्व करने के लिए अपन कौन कौन सी उसमें थिंग्स मिलाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनमें अपन मिलाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्ट नमक शुगर चीनी एंड ऑयल का यूज़ करते हैं। दिस थिंग आर यूज टू प्रिजर्व लाइम पिकल्स, नींबू का अचार बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज में जाती है, सॉल्ट शुगर विनेगर आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, वॉट वुड यू डू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बींग लेफ्ट ओवर वेस्ट, क्यों हमें लेफ्ट नहीं करना चाहिए। तो वी शुड टेक ओनली द मच फूड आवर प्लेट विच इज़ सुटेबल टू फुलफिल आवर हंगर, हमें इतना ही फूड डलवाना चाहिए प्लेट में जितना हमारी भूख को शांत करे, एक्स्ट्रा फूड हमें डलाना नहीं चाहिए, फूड को कभी भी हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जैसे अपन इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ग्रीन पीस हरे मटर को बाय पुटिंग इन फ्रिज में रखकर, जिंजर को अदरक को बाय पुटिंग इन फ्रिज एंड ड्राइंग इन सनलाइट में सुखाकर फ्रिज में रखकर अपन इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंगो को ऑयल ऐड करके अपन मैंगो पिलर को जो है ऑयल को प्रिजर्व कर सकते हैं, मैंगो पिकल्स को। क्लस्टर बीन्स पुटिंग इन फ्रिज में रखकर और सुखाकर सनलाइट में। पोटैटो को जो है कोल्ड स्टोरेज करके और ड्राई सनलाइट में सुखाकर अपन इसको सुरक्षित कर सकते हैं। टेबल सेकंड है राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज द फॉलोइंग आइटम, कि यहाँ पे जैम को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो जैम को जो अपन शुगर और विनेगर ऐड करके करते हैं। फेन्युग्रीक मीन्स होता है मेथी को सनलाइट में सुखाकर सूखी मेथी का अपन यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स भी सनलाइट में सुखाकर यूज़ में ली जाती है। ब्रेड का केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन का सनलाइट में सुखाकर और कोल्ड स्टोरेज ठंडी जगह पर रखकर हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम,
कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स अपन लोग बचा सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल को कैसे फ्रीज में रखकर अपन सुरक्षित रख सकते हैं 2-4 दिन तक, बटर को भी फ्रीज में रखकर, कर्ड दही भी फ्रीज में रखकर अपन उसे खट्टा होने से बचा सकते हैं, और मैंगो पिकल को ऑयल ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड फूड वेस्टेज ड्यूरिंग वेडिंग रिसेप्शन। रिसेप्शन जब घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम कैसे जो है शादी वगैरह प्रोग्राम में फूड को वेस्ट होने से रोक सकते हैं। तो वी शुड टेक ओनली टू मच फूड ऑन आवर प्लेट, हमें हमारी प्लेट में उतना ही फूड लेना चाहिए जितना अपन खाते हैं, विच इज़ सुटेबल टू फुलफिल आवर हंगरी, जो हमारी भूख को शांत करता हो। विच क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड टू बी अडॉप्ट प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम कौन सी मेथड यूज में लेते हैं। तो प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम सच ए बाय ड्राइंग ए सनलाइट में सुखाकर, पुटिंग इन ए कोल्ड स्टोरेज, ठंडी जगह पर स्टोर करके, बाय एडिंग शुगर सॉल्ट और ऑयल, शुगर सॉल्ट और ऑयल ऐड करके अपन उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ जो अपना चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ है। अब आप में से किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। रितिशा कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके बेटा, जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है आप अपनी नोटबुक सब चेक करवा लीजिए ना स्कूल में लाकर। मेरी नोटबुक तो स्कूल में ही है अभी भी। तो ले जाओ बेटा, चेक हो गई आपकी, आगे का वर्क कंप्लीट करो, है ना। मैम मेरे पापा बाहर गए।